नमस्कार दोस्तों, आज हमने सिंघाड़े की एकदम नई रेसिपी तैयार की है। तो हमने दो तरीके से सिंघाड़े को खाने का तरीका बताया है। आप देख सकते हैं ये दोनों तरीके जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको अपने सिंघाड़े को बनाना है तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखिए। मैं रविकला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत करती हूँ। और चलिए देखते हैं सिंघाड़े को खाने के दो नए तरीके। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो गई हैं, साथ में सिंघाड़े का सीजन भी। तो ये हमने एक किलो सिंघाड़ा ले लिया। इसे हमने अच्छे से 4 से 5 पानी धो लिया है, क्योंकि सिंघाड़े कीचड़ में होते हैं, इस वजह से इसमें काफ़ी कीचड़ लगा होता है, तो इसे अच्छे से हमें धो लेना चाहिए। तो हमने एक भगोने में सारा सिंघाड़ा डाल दिया है और उसी के बराबर डाल दिया है पानी। अब इसे हम उबलने के लिए रखेंगे। मैं इसे गैस पर मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए उबलने के लिए रखूँगी। 10 मिनट बाद हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें उबाल आ रहा है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तब मैं एक निकाल के देखूंगी कि हमारा सिंघाड़ा हो गया है या नहीं। सिंघाड़ा हमारा काफ़ी गर्म है, तो हमने चाकू की सहायता से बीच से काट के देख लिया है। तो इसे हम खा के चेक कर लेंगे कि ये हुआ है या नहीं। तो हमारे सिंघाड़े जो है कि पक गए हैं, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही ढक करके छोड़ देंगे। 1 मिनट बाद हम इसका पानी निकाल करके एक बर्तन में ऐसे फैला कर रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। हमारे सिंघाड़े बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो हम सिंघाड़ों को जो है बीच से काट करके अंदर से इसके गिरी को निकाल लेंगे। और आप चाहे तो ऐसे भी खाने के लिए रख सकते हैं, या फिर थोड़ा ऐसा पीस को छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हमने सभी सिंघाड़ों को छील करके काट लिया है और इसे दो भागों में ले लिया ताकि मैं इसके दो तरीके दिखा सकूँ। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है वेजिटेबल ऑयल। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हमने एक बाउल का जो सिंघाड़ा था उसे इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमें मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेना है। दोस्तों, जो कोई सिंघाड़ा खाना पसंद नहीं करता, अगर इस तरीके से आप सिंघाड़े को बना के देंगे तो खाना पसंद करेंगे और उन्हें खाने में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। तो हमें बहुत ही अच्छे से इसे भून लेना है। हमने बहुत ही अच्छे से इसे फ्राई कर दिया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार काला नमक, तो बहुत थोड़ा सा ही जाएगा इसमें। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चाट मसाला। दोस्तों, इससे इसमें बहुत ही अच्छे से स्वाद आता है। तो मसाला और नमक डालने के बाद बहुत ही धीमी आंच में हम इसे भून लेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। आप देख सकते हैं हमारे सिंघाड़ों में कितना अच्छा सा कलर आ गया। तो ये रेडी हो गया है खाने के लिए, तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये हमारा पहला तरीका था। और दूसरे तरीके में हमने एक बाउल में सिंघाड़ा ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी हरी धनिया की चटनी। दोस्तों, हरी धनिया की चटनी की वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, तो वहाँ से आप देख करके वैसी चटनी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच इसमें हरी धनिया की चटनी डाली है और थोड़ा सा डाला है इसमें काला नमक 2 चुटकी के बराबर, और अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसे प्लेट में निकाल दिया है। तो फटाफट से ये रेडी हो गया है। तो जो हेल्दी तरीके से खाना चाहते हैं वो इस तरीके से खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरीके ही बहुत ही अच्छे हैं और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सिंघाड़े को खाइए, आपको बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिख करके ज़रूर से भी बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा।